मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत हरियाणा से। आज हम आए हुए हैं खेवड़ा गांव सोनीपत हरियाणा से और वहाँ पे माँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है और उसमें हमारे भाई आए हुए हैं भाई गोविंद शरण जी। और इसमें सोनू भाई को आंखों की नेत्र रोग नाशक डाली हुई है तो वो अपना अनुभव बताएंगे और गोविंद भाई अपना परिचय देते हुए अनुभव लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि राशि भाई को उनके जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। तो जमीनी स्तर पे जब हम आते हैं तो भाई से भाई बंधु मिलते हैं और जो सफलताएँ मिल रही है, जो जागरूकता बढ़ रही है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अभी भैया सोनू भाई से बैठे थे तो बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि भैया आपने जो पूछे जो स्वदेशी चिकित्सा के सरल जो औषधियाँ हैं जो घरों से तैयार हो सकता है, जिसको चर्बी नाशक नाम है, नेत्र रोग नाशक है, मैजिक ऑयल है, अमृत धारा है, इनमें से भैया से तो उसका अनुभव जानते हैं कि भैया का क्या अनुभव रहा जी। मैंने अपने एक जानकार को दी थी और रोहतक में, तो उन्होंने जो चर्बी नाशक है जब से उन्होंने दवाई यूज की है तो उनको बहुत ही हल्का फील हो रहा है और उनका काफ़ी वेट भी खत्म हुआ है। मतलब पहले से उनको जो उनका चर्बी बढ़ी हुई थी, मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि शरीर में एक्स्ट्रा कोई भी चर्बी है ही नहीं और कैप्सूल का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और अभी जैसे मैंने दवाई यूज़ की है आँखों वाली नेत्र रोग की, तो उससे अभी डालने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ठंडा ठंडा और बिल्कुल आँख में जैसे खुल गलत भी फील हो रहा है और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पहले थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, कार का वाइपर वाइपर हाँ जैसे काला सा कार की होना चाहिए ऐसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया धन्यवाद आपका। मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत हरियाणा से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का कर्णधार। आज आए हुए हैं हम गांव खेवड़ा सोनीपत जिले में और एक हमारे भाई है गांव खेवड़े के ही, इन्होंने भाई गोविंद शरण जी से नेत्र रोग नाशक मंगाई थी तो उसके विषय में पूछना चाहूँगा आपको कैसे लगा नेत्र रोग नाशक आई ड्रॉप डालने से। सबसे पहले सभी को नमस्कार और गोविंद जी से मेरा वैसे तो आमना सामना तो आज ही हुआ है कि, और इससे पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू ही उनसे बात हुई थी। तो गोविंद भाई ने एक बार ही मैंने उनको बताया था कि मेरी आंखों में जैसे जलन रहती थी, वैसे तो मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा मुझे 11 सालों से चढ़ा हुआ है और उसके बाद मेरे नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, मेरा डेढ़ का ही नंबर है, वही 3 सालों से चल रहा है। पर क्योंकि मेरा कंप्यूटर का काम है और आँखों में प्रॉब्लम यह रही, जलन रहती थी, सूखी सूखी आँखें रहने लगती थी, मुझे बार बार पानी से धोना पड़ता था। मैंने गोविंद जी से बातें बताई, उन्होंने मुझे दवाइयाँ भेजी और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दवाइयाँ भेजी। सबसे पहली बात तो कि आमना सामना भी नहीं हुआ, कभी जान ना पहचान, और मैंने वो दवाइयाँ कम से कम अभी मुझे 15-16 दिन ही हुए हैं मंगाए हुए तो, और मैं शाम को एक बार ही डालता हूँ, तो आज तक तो मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि आँखों में मेरी जलन है या पानी की कमी महसूस हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती थी कि पानी महसूस ऐसा हो रहा था कि पानी नहीं है आँखों में और आंसू ही नहीं बन रहे हैं। तो फीडबैक तो मेरी तरफ से तो ये है कि एक बार दवाई का यूज़ करो और तभी देखो चीज़ का बरतोगे तभी पता लगेगा, मैंने बरती है मुझे पता है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको भी पता लगेगा कि हाँ ये फीडबैक सच्चा ही, कोई ऐसा बनाया हुआ नहीं है। गाँव खेवड़ा में आज आए हुए हैं तो आशा करता हूँ सभी यूज करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेना रक्तदान शिविर ये शिविर हॉस्पिटल से ये टीम आई हुई है, ये फौजी भाई ये ब्लड डोनेशन करते हुए भारतीय सेना रक्तदान शिविर में माँ भारती रक्तवाहिनी द्वारा एक्यूप्रेशर कपिल क्रेपी हो गए, गोविंद भाई अच्छा।
फौजी भाई कपिंग थेरेपी का कराते हुए कमर में दर्द हो L4, L5, S1, S W उसके लिए हम आए हुए हैं गांव खेवड़ा सोनीपत जिले में निःशुल्क एक्यूप्रेशर कैंप और भाई गोविंद सरण जी आए हुए हैं ये घरेलू चिकित्सा उपचार कर रहे हैं और मैजिक ऑयल के विषय में बताते हुए ये हमारे संस्था के प्रधान जी है विपिन जी हाँ इसमें क्या है कि थोड़ा सा कम कर दिया ताकि कभी चोट लग गया वहाँ लगा लिया सर दर्द हो रहा है तो सुन लिया काम हो गया तो सुन लिया कुछ भी हो गया तो नाले से भी मिला के लगा लिया कहीं खून बह रहा है पैसे लाइट लगा दिया तो इसका नाम रख दिया मैजिक चल गया तो मैजिक नहीं तो और ये आपको की दवाई तो आपको भी डाली आपको इसको डालने से ऐसा रहता है कि शीशा साफ के आगे गाड़ी हाँ उतर जाए नौवा नंबर है जिसमें उतर गया दो ढाई महीने हाँ दो से तीन टाइम डाली और दीदी जिनको पुनः उनकी एक पुलवामा की थी इतने मोटे चश्मे थे कि सुबह उठते थे चश्मा पहन नहीं भी उतरेंगे तो मतलब आँखें इतनी साफ रहेगी कैसी लगी जी भाजी हाथ खुल गई हाँ बिल्कुल है कैसा लग रहा है डाल के अच्छी ठंडक सी महसूस हो रही है ठंडक महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे कार चलाते हुए कार का शीशा साफ कर दिया हो हाँ ऐसा तो है ऐसा ही लग रहा है ना ऐसा कोई दिन से उनकी भी खुल गई आगे नहीं खुली इनकी तो मैं चिड़िया रोए हुए जमाना हो गया था फुल बंद कर फुल बंद कर पानी निकले अरे मन ने गल पा ली मेरे फिर गल गल चले मैं अपने आप जाओ जी हाँ बस सुन अभी जब जिन्होंने पहली बार डाला हो ना कभी अब कैसी लग रही आंखें रिचार्ज हो गया हां रिचार्ज हो गया बताओ बैटरी को क्या बताओ रे लग रही है बड़ा ठंडी ठंडी रिफ्रेश आ गया ना बेटा पानी का लग रहा है और वो मेरे को भाग लग गए बताए आपको कैसी लगी जी बहुत बढ़िया दवाई है और आंखों की तरह कंकर से दवाई दी के बड़ी ओढ़ में घालो चाहे बिना पड़ी ओढ़ आपकी आंखें बनी हुई है मेरी दोनों आंखें बनी हुई है और मैंने दवाई घालने के बाद में बहुत ठंडे और कुछ सांप भी दिखाई दे सांप भी दिख रहा है सांप भी दिख रहा है ये स्टोर पे मिलती है जैसे मैंने अपने घर में बनाई है तो हर कोई घर पे भी बना सकता है मतलब इसको बनाने के लिए कुछ भी किया गंगा जल लिया गंगा जल में त्रिफला नमक फिटकरी कपूर पूनानवा गिलोई सुहागा नौसादर ऐसी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आंखों के लिए फायदेमंद होती है उसको रात भर पानी में भिगो दिया मतलब ये साधारण तरीके से बता रहा हूँ जो घर में कोई भी बना सकता है अपनी खिचड़ी तो रात को पानी में भिगो दिया सुबह उस पानी को निथार लिए अच्छे से और उसके बाद उसमें गंगा जल गुलाब जल मिला दिया और शहद मिला दिया फिर भी आप देखेंगे फिर भी ऐसा होगा क्या कि कई बार क्या होगा कि नीचे वो गाद बैठेगी ऊपर का पानी निथार लीजिए फिर भी अगर थोड़ा बहुत बारीक बारीक रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद एक आता है अमृत धारा
अजवाइन साथ पुदीना साथ भीमसेनी कपूर से बनता है, उसकी एक दो बूंद या अपनी इच्छा अनुसार इसको डाल लीजिए। पहले जैसे हम घर में खिचड़ी बनाए, भाई हमने डाल दिया मिर्ची तेज हो गई तो पानी और मिला लेंगे। तो अगर आपने अमृत धारा डाला और वो आपको आंखों में बहुत ज्यादा ठंडक दे रही है, जलन दे रही है, तो आपको गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से घर में बनने वाली है वो दूसरी चीज है, राजू बनाओ सफेद जो घंटा होता है, सफेद घंटे का रस गुलाब जल वो उसकी बनाओ। और वो एक दो चीज कह रहे हैं वो उसकी बनाओ, ये इतनी दवाई नहीं डालता जितनी दवाई आप इतनी ज्यादा नाम लेते हैं, लेकिन उससे बैठी एक बैज है ठंड आई ही होती है, वो भी ठंड महसूस होती है। नहीं आपको अच्छी लगी हाँ। तो ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि जो देखे गया है कि हमारी जो घरेलू दवाइयाँ हैं ना, जो सरल सरल चीजें हैं, वो लोग अब सब अपने अपने बताते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बताऊंगा तो 100 लोगों को बोलूंगा तो कोई एक आदमी भी बनाएगा तो अपने गांव समाज को तो देगा भैया, गाँव समाज को देगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। हमारे जो बैद है वो बनाता है ये कई दवाई भी देता है। हाँ दवाई देता है, राशन भी भेज देता है। हाँ कोई देता है तो गांव वाला तो कोई पैसे नहीं। हम तो अभी दावे नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं।